बात चल रहे तुम साले वाकई में पागल हो गए हो। मिश्राइन, ये मंत्री कहाँ का है तुम्हें मालूम? नहीं, हमें नहीं पता है। ये देश नवर से आया है और महाराज प्रथम ने भेजा है और हमें अपनी जिजवानी में जाना है। घर में रहो, बताओ सौदा सुलूप ले आई दें दुकान पर से? हाँ, दुनिया एक तो जान दे। हाँ, हम एक जो बनना ही जानते हैं। कहते बिल्कुल। हाँ। का है नहीं। देखो, जब कर्म करके पीछे नहीं है, क्योंकि जब हम पंडिताव कर रहे हैं तो आगे पीछे जाना ही होगा महाराज। हाँ, ये बता पहले, आज तुम जजवानी के जाए? हाँ। अबे पहले तुम गौनों करा के लाए, आज तुम जजवानी के जाते? बहु इंसान छुड़ी जय के जो नामर्दे पंडित हुई ही भय छोड़ के अपने घर में इंसान गौनों करा के लाई भय देखा तुम नामर्दे होगा नहीं? गौनों करा के ला तो वो बाहर ना जाते, घर में बैठो रहत। अबरे कार्तिक महीना के तो खेत खलियान में काम है मालूम तुम्हें? हाँ, कम से कम 4 दिन तो हमारा तेज रही होते तुम का एक घंटा ना आयो। अरे 4 कौन का, पूरी जिंदगी रही तुम काहे परेशान? अरे सास को मार डरबो तुम पर कहीं बाहर बैठे हुआ रोड फेरी आएगा तुम्हें यहाँ? हाँ, अरे जे कोई ना है, दूर रहो समझ ले कौन तो हथियार है हम खोल दे हुआ बैठे हो पांजर। अरे अब जी दूरी रहे, अब नहीं हथियारों का पता लग गो है। हाँ, तो हमें आज्ञा दीजिए, क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, क्यों? अरे बिल्कुल ये बात नहीं, ये तो गलत बात है। महाराज, तुम्हारा मन है जाइबे? बहुत जल्दी है, कितनी जल्दी करो, 5 मिनट लग जाते महाराज। हाय हाय जवानी ओड़े चुनरिया हाय सर से सर की का है? ये 50 रुपए विहाद रहे पंडित और पंडिता ने मीन पर व्यवहार चुनरिया बलमा मैल नहीं भैरे सिंदूरात करो मान को नहीं हाय श्री माने भैया आप देश आप देश उत्तर मोहल्ला के रहने वाले 855 यानी 78 चलाओ था।
ये 20 रुपए भी हाजरे भाई नमस्कार है। राजू राजू ये बनके गांव के रहने वाले 200 रुपए निमंत्रण में भाई नमस्कार है। अल्लाह बरिया मेरे कलम नगीना सजन लई के जिया पतल जाए राजू इसी कस्बा बन के गांव के रहने वाले फिर 200 रुपए बिहार भाई नमस्कार है भैया के नमस्कार है। कहिए महाराज, समय बहुत ज्यादा कम है और जाना बहुत दूर है, आप हमें जल्दी से आगे दीजिए, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। महाराज बिल्कुल आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर मेरी एक बात सुनो। क्या है? जब जाना तो वहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा सीरा लेके आना। अरे यार पंडित तुम्हें मान ही गए, बताओ ये ते तुम कई बिधुआ के पंडित हाउ? तो अपनी बात बताओ। अपनी बात ना यानी इतनी बढ़िया पंडित आए नी और भाई नई मेहरुआ बताओ सीरा का तत्व तुम्हारी बढ़िया है। अरे बढ़िया है, इसको जो वस्तु जरूरत हो मंगाएगा नहीं? अरे मंगाएगा नहीं, अरे इतनी बढ़िया मेहरुआ तुम बताओ शक्कर में हलवाई दे। महाराज जा रहे हो, जाते वक्त एक बात सिर्फ बोल दूं। हाय जाइबे कतौ बलमा तुम जाइबे करियो बलमा सुनियो ब्याह के तुम बात रहने वाले लड़के के मामा ये 10 रुपए बिहाते रहे, उनका कह रहे ये पंडित अंडित वालों हटाओ यानी ढोला चालू करो। महाराज का नौटंकी हुई रही। हाँ हाँ
बिल्कुल हाँ। अरे कितना टाइम लगेगा, देशनबर धाम जाएंगे? ए भैया राम विलास कटैयापुर के रहने वाले 50 रुपए बिहार भाई नमस्कार है। अरे दो दिन ना लगे हैं। हाँ हाँ बता, ठीक बात है। खैर कोई, अरे दो दिन की तसल्ली बांधो, आ जुगे कल वापस आए। हाँ हाँ ठीक बात है। आई मेरा कुल्हुआ चंदपुर मंड भरवाई दे, कोई परेशानी ना है। हाँ चलो मजा कीजिए, आप जा सकती हो, जाओ। मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, आज मन वही ले जाइए जहाँ हमारा मंत्री जी आया हुआ है, कहाँ देशनबर धाम से। आज ज्ञानी जी किस तरीके से तैयार हो जाते हैं, कहाँ के लिए? आज कस्बा नरवरगढ़ के लिए आज जाते हैं, जहाँ महाराज की कचहरी लगी हुई है। हाँ श्री मारे भैया रामपाल, इसी कस्बा बन के गाँव के रहने वाले, 500 के नोट में 50 रुपये बिहार भाई नमस्कार। सुधीर इसी कस्बा बन के गांव के रहने वाले, 50 रुपए बिहार भाई नमस्कार है। रामचंद्र करौंदी निवासी 50 रुपए बिहार भाई नमस्कार है। नालायक उन्हें अंदर बुला के ले आओ।
फॉर्म जाओ जल्दी बुला लिया अंदर। कल्याण हो कहिए महारानी। आप हमें बताओ आपने किस वास्ते याद किया है? आज इस बात के लिए नहीं, मैंने बुलवाया इस बात के लिए। हाँ पंडित महाराज, हाँ आज आपके घर के देश नगर में, अच्छा मेरे महाराज की कचहरी नहीं लग रही, आम जनता पब्लिक कोई पास नहीं आ रही, फिर ना तो कोई बात पूछ रहा, ना तो कोई पास बैठ रहा, ना तो कचहरी लग रही, ना तो कोई दवाई भाषा हो रही, आखिर कारण क्या? किला ना भाई, अगर कोई कचहरी में नहीं आता है तो महाराज ने किसी से गलत बात कह दी होगी, प्रजा के साथ में अन्याय किया होगा। किसी प्रजा को तकलीफ नहीं दी, नहीं तो जनता को सताया ना जाया। हाँ हाँ पत्रा खोल रहे, पत्रा खुलवाई ले आवो 551। हाँ ऐसे नहीं काम हुए है, हाँ ऐसो है, बहुत पिटाई होगी। ये पत्रा की बात है, अगर पत्रा खुलवाना चाहते हो तुम लोग तो खुलवा सकते हो, 551 रुपया। हाँ 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 और का तू आलू है, हाँ और बाकी पैसा क्या लाए कहीं के? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं राज रानी से कह रहा हूँ। हाँ श्रीमान भैया, मकान मालिक हमारी आवाज़ सुनते हैं तो ये को अंगूछा या अभी रुपट्टा ले आवा यार, मुँह पहुँचने के लिए यानी थीन बदलना है, बहुत जल्दी से जल्दी ले आओ कपड़ा। हाँ महारानी, अगर आप पत्रा से बात कोई बूझना चाहती हो, पत्रा हमारी पुजवाबो पहले। हाँ लाओ ठीक बात है महाराज, खड़े हो जाओ, इनकी दशा बहुत कल्याण हो, इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे महारानी। क्या मतलब? इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, इन्हें मनसा के पाप लगे हुए हैं। महाराज जी, मनसा पाप? हाँ वो कैसे? मैं बताऊं? बोलो। सुनो, अब पहलो पाप लगो है जंगल, महाराज को पाप लगा हुआ है,
ठीक अडवाणी जंगल में शिकार खेलने के वास्ते गए, लेकिन हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। उसने कहा, महाराज आप हमारी शिकार मत कीजिए, क्योंकि मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ, मैं अपने ही पीड़ा में परेशान हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि जाओ कोई दूसरे हिरन और हिरनी की शिकार कर लो, महाराज मेरी शिकार मत करो। लेकिन जो बता रहे हो ये कर्तव्य मैंने अपने हाथों से किया था पंडित जी। जी और कुछ है भी पाप लगा हुआ है। ये पहला पाप हमने बताया है। और कौन हमें लगा तुमने सब पूरी का पत्र ही भर डाली। मैं बताऊं जब 6 महीना को गर्भ मन जाते और कुछ है बाकी।
महारानी मैंने इन्हें बता दिया है महाराज को कि दूसरा भी पापी ने लगा हुआ है, मैंने दूसरा भी पापी ने बता दिया है, अभी एक पाप और इनका बाकी है।
भैया रक्षपाल बरकतिया से 20 रुपया बिहारे धन्यवाद। ये आएगा भैया लल्ला की बुआ मीना, ये 20 रुपया बिहारे धन्यवाद। महाराज क्या बात है ज्ञानी जी, जो आपके पाप लगे हुए थे मैंने बताए हैं, लेकिन महारानी अभी इनका एक पाप और बाकी है, बताओ इनके कितने पाप बताए जाएं? अभी कोई बाकी है? अभी बाकी है तुम्हें मैं बताऊं? बाकी है बिल्कुल। अब कोई बता दीजिए कौन सा पाप लगा हुआ है मुझे। सुनो मैं बताता हूँ आपको कौन सा पाप लगा हुआ है अभी, तीसरे नंबर का। महारानी ये तो दो पाप लगे हुए हैं मैंने बता दिए, अभी एक पाप अभी इनका बाकी रह गया है, बताऊ ठीक। हाँ श्रीमान आगे भैया रामू, ये इसी कस्बा बन के गांव के रहने वाले हैं, 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं और क्या। इन्होंने एक समय की बात है जो बनिए लोग वापस आए हुए थे, आज उन बनिए लोगों ने उस रानी मोतनी का राजा नल को सामुद नदी में डाल देते हैं, आज उसकी वही रानी लेकर आते हैं कहां कस्बा नरवर धाम को, तो बनियों लोगों ने बिक्री कर दी, लेकिन महाराज ने सगी बहू की सेज मांगी है, आज वही पाप लगा हुआ है महाराज के लिए। हाँ इन्होंने सगी बहू की सेज मांगी हुई थी देश नंबर धाम में। अरे हम
ज्ञानी जी क्या बताते हो? काया खराब हो गई है। काया खराब हो गई जी, इसीलिए मक्खियां लग रही हैं, कोई कचेरी में नहीं आता जाता है। पंडित महाराज ये सच बात है? सच बात है, आप अपने आप को से देखिए। आप अर्जी में पानी और नीम का लोचा मत अरे कैसे जीवन प्यारे कटियाई पृथ्वी पर। अब आप बात पूछती हो तो मैं ये भी बात बताऊंगा, अगर मैंने इतनी बात बता दी है तो ये भी बात मैं बता दूंगा कैसे मूर्छित होंगे। ब्राह्मण लोग तो विद्वानी भाव करते पंडित महाराज। हाँ हाँ, आप तो विद्वानी भाव पितृ महाराज, कुछ उपाय बता सकते हो? बिल्कुल उपाय भी बताऊंगा और इनकी काया भी सफल हो जाएगी। तो कैसे काया ठीक होगी? देखिए यहाँ से आप लोगों को जाना होगा, आप अभी विदेश नंबर धाम छोड़ दीजिए दोनों प्राणी, और कहाँ जाओ कोट कंपिल धाम के लिए जहाँ पे गंगा सरोवर घाट है। आज वहाँ फूल सिंह सरदार का वो गंगा घाट नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आप इनकी काया धो देना सुबह के 4 बजे और इनकी काया सफल हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ कैसे जाना है और क्या करना है। अब पहली मुड़की दे बलो गनकी थोड़ी बाजा की आवाज बढ़ाओ हारमोनियम। दूसरे में संत स्नान करते हैं और तीसरी बुड़की फूल सिंह सरदार की है। फूल सिंह सरदार नहा ना पाए, सुबह को 4 बजे गंगा घाट में घुस जाना और अपनी काया जो है मलमल के धो देना, आपकी काया सफल हो जाएगी। पंडित महाराज आप चलो साथ में। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैंने कह दिया कोई साथ में नहीं जाएगा, उपाय बता दिया है, दो ही प्राण यहाँ से जाओ। ठीक है पंडित महाराज, मेरे का पाय लागो। देखो ज्ञानी जी ने जो बात बताई है उनका वचन उल्लंघन नहीं हो सकता है, फौरन तैयारी कीजिए और उसके पहले कुछ और होना चाहिए। क्या
अभी लड़का भी बैठा हुआ है, ऐसे ही यहाँ से प्रस्थान कर दोगे तो कौन जान पाएगा कौन कहाँ के लिए जा रहा है, तो पहले उसको बुलवा लीजिए, उसके बाद में देखा जाएगा। मंत्री जी मंत्री जी अभी आप यहाँ से चले जाओ, मेरा लड़का राजन बैठा हुआ है और साथ में बहुमोहतनी भी है, उसको जल्दी से बुला करके दरबार के अंदर ले आओ। चलो ठीक है, अभी कहते बुलाते जाओ। मजा कहने लगी महाराज से, महाराज अगर तुम लोग इस प्रकार यहाँ से चलोगे तो बेटा राजन बहुमोहतनी ना जाने क्या सोचेंगे, माँ पिता कहाँ चलेंगे कहाँ नहीं गए, इसलिए बेटा राजन और बहुमोहतनी को बुलवाकर उन्हें राजपाल सौंप देंगे, उसके बाद फिर प्रदेश के लिए हम लोग यहाँ से जाओ। मंत्री जी जाओ यहाँ से। और बेटा राजा नल भरी जाता बनाए
ये आगे भैया राज्यपाल बरगदिया से 20 रुपया बिहार दे रहे, उनका कहना है ढोला हो या आलू वालू ना हो। सुरतियापुर से 20 रुपया बिहार दे धन्यवाद। ये आगे गुड्डू सक्सेना 10 रुपया बिहार दे धन्यवाद। Yeah.
ये आ गई सरोजनी, इसी कस्बा के रहने वाली है, 20 रुपया बिहार है, धन्यवाद। ये आ गए भैया राजू, इसी कस्बा के रहने वाले, 50 रुपया बिहार है, धन्यवाद। मुलाजिम, अब दोस्तों इधर में देखिए किस प्रकार से बेटा राजा नल और बहुमोतनी किस प्रकार आ रहे हैं। अरे बेटा राजा नल, आपको बुलाया गया है, आपके पिता ने बुलाया है। ये बुलाया है? हाँ। कोई काम बताया है? काम नहीं बताया है, और बहुत जल्दी चलो। चलो मैं आ
कसम से हाथ उठ के देने वाले ये हमारे ढोला के डायरेक्टर हैं। और देखिए आप लोग देखिए कहानी आज ये पटाई के ऊपर चल रही है। आज जब बुलाया है हमारे माता पिताजी ने और हमें कहा कि जाना चाहिए जहाँ पे हमारी प्यारी बैठी हुई है उसको आज के पहले नीचे जाना चाहिए और उसको ले जाकर उन्होंने कहा चाचा जी के बंगला के अंदर जाना चाहिए। बात पे याद किया है क्योंकि चाचा जी और माता जी कहां बंगले के अंदर बैठे हुए हैं। हां हां और घर के दोनों प्राणियों को बुलाया है। आज चल के देखना चाहिए पता नहीं कौन सा काम है आज चाचा जी ने बुलवाया है दोनों प्राणी को और हमें आज आपको चलना चाहिए। महाराज हमको तुमको बुलाया है पिताजी ने। चलिए चलिए महाराज। I'm not.
जा रही। लेकिन ये चाचा जी क्यों रोते हैं बंगला के अंदर, माता जी क्या बात है? कहिए क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए, आप बगल का राह भी न जाए। लेकिन ऐसी कौन सी बात है आप अपने पुत्र को नहीं बता सकती हो? आज आठ दिन होते थे नरबर में, हाँ, तुम्हारे चाचा जी के चेहरे नहीं लग रहे। अच्छा, आप जब तक पब्लिक कोई पास नहीं आ रहे, फिर ना तो कोई बात पूछ रहा, ना तो कोई बात बैठ रहा, ना तो ने कोई दवाई भाजा। ऐसी क्या बात हो गई है? अच्छा, क्या निकला? लेकिन कोई इलाज वगैरह नहीं चलवाया है अभी तक? कोई दवाई फायदा नहीं करेगी। कोई दवाई नहीं फायदा करेगी? पंडित महाराज ने बताई है। क्या बताई है आप बताओ? उस बात का पालन करना है। ये भैया नथुलाल 20 रुपया इसी कथवा के दे, रहने वाले 20 रुपया भेज दे, धन्यवाद। ठीक हो जाएगी। बेटा तुम जा सकते हो। मैं भी नहीं जा सकता हूं। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या है कि बताओ, मैं परिवार को लेकर कोई मंगामा की सुना लेकर जाएगा? कुछ बीमारी ऐसी हुआ करती बेटा राजा नल, जो वहां बेटा की कोई जरूरी नहीं। इनाई लाई जाई बो हम कोटक कर बिलक करू, ये भी बताया पंडित जी ने, अगर परिवार तक का कोई साथ में जाएगा तो इनकी काया ठीक नहीं होगी। इन्हें ले जाइबो यारे कोटे के पिलकाऊ, सिर्फ हम दो ही प्राणी जाएंगे, हम साथ थकी आऊंगी यारे साथ मरूंगी। सताना लजाना नहीं, कोई नहीं जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्नान हो जाएगी, इन्हें वापस लेकर आऊंगी। हमारी बात नहीं मानोगे आप? कोई लोग नहीं मानेंगे।
लोग हमारी बात नहीं मानते हो, आप चाहे कोट कंपिल धाम में मर जाओ, चाहे माता जी मर जाए, राजा नल वहां के लिए नहीं आएंगे कोट कंपिल धाम के लिए। मैं ये बात कहता हूँ, अगर तुम आगे नहीं तो तुमको मैं कहीं भुलाऊंगा नहीं, आप फिर से चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ, और मैं प्यारी बस जाऊंगा, बस जाऊंगा, बस जाऊंगा। माँ जी, जी आप नहीं मानोगे, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल जी, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी। तुम खेल जाओ, खाओ, 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 खाओ।